दोस्तों BSNL 4G को लेकर यहाँ पे एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि BSNL की 4G सर्विस यहाँ पे कब तक लॉन्च होगी, और साथ में दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि BSNL की 5G सर्विस आप लोगों को यहाँ पे कब तक मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को BSNL के इसी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे BSNL की 4G सर्विस आप लोगों को कब से मिलेगी, और साथ में BSNL की 5G सर्विस आपको कब तक मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यहां पे किस सर्कल से हैं और आप किस टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम यूज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों BSNL 4G को लेकर यहां पे पर डे कुछ ना कुछ नया अपडेट निकल कर सामने आते रहते हैं। तो अब ऐसे में दोस्तों आज यहां पे BSNL 4G और 5G को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे BSNL यूजर्स के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि BSNL की 4G सर्विस आप लोगों को कब से मिलेगी, और साथ में BSNL की 5G सर्विस पूरे इंडिया में कब तक लॉन्च होगी। तो यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय IT और संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर BSNL 4G को लॉन्च कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय IT और संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर BSNL 4G को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा गया है कि BSNL यहाँ पे 200 4G साइटों पे अपना काम करना शुरू कर दिया है, और अगले 3 महीनों के अंदर जैसे ही यहाँ पे ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे BSNL हर दिन 200 4G नेटवर्क पे काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे IT और संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि BSNL यहाँ पे 200 साइटों पे अपना 4G नेटवर्क पे काम करना शुरू कर दिया है, और अगले 3 महीनों के बाद जैसे ही यहाँ पे ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे BSNL पर डे 200 साइटों में अपना 4G नेटवर्क को लॉन्च करेगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, फिलहाल यहाँ पे जो BSNL अपना 4G नेटवर्क को लॉन्च कर रही है वो यहाँ पे TCS के साथ लॉन्च कर रही है, क्योंकि BSNL ने यहाँ पे लगभग 1,23,000 4G नेटवर्क के लिए TCS को ऑर्डर दिए हैं, जिसका प्राइस यहाँ पे बताया गया है लगभग 19,000 करोड़ रुपए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, BSNL की 4G सर्विस अगले 2 हफ्तों के अंदर चंडीगढ़ और देहरादून में लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे BSNL ने अपना 200 4G नेटवर्क को अपग्रेड कर चुके हैं, और अगले 2 हफ्तों के अंदर चंडीगढ़ और देहरादून में BSNL अपना 4G नेटवर्क को लॉन्च कर देगी। बात करें दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर BSNL अपना 4G नेटवर्क कब तक लॉन्च करेगी, तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि पूरे इंडिया के अंदर BSNL अपना 4G सर्विस नवंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में लॉन्च कर देगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैसे ही यहाँ पे BSNL अपना 4G नेटवर्क नवंबर या फिर दिसंबर में लॉन्च करेगी, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे BSNL के 4G नेटवर्क को यहाँ पे 5G नेटवर्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों BSNL यूजर्स के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि BSNL की 4G सर्विस और साथ में BSNL की 5G सर्विस आप लोगों को कब तक मिलेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।